चलिए फटाफट 10 प्रश्न परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। बहुत विकट समय चल रहा है, लेकिन क्या करें, अपना कार्य तो थोड़ा बहुत करते रहना है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जरा सी भी शिकायत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इलाज करवाएं, और दूसरों की अगर दूर रहकर जो भी हेल्प कर सकते हैं वो आप जरूर करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्राम उजाला कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करती है। दूसरा, ग्राम उजाला कार्यक्रम को पूर्ण रूप से बिजली मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? नहीं। इसका कौन सा राइट है भाई, पूछ रहा है कौन से सही हैं? तो केवल पहला वाला सही है कि ग्राम उजाला कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, सस्ता प्रदान कर रही है, मुफ्त नहीं। कभी कभी एग्जाम में मुफ्त दे देगा, तो सस्ता और मुफ्त में अंतर समझिएगा। फ्री नहीं है, सस्ता है। क्यों? क्योंकि सब्सिडी युक्त है, और ये सब्सिडी ग्राम उजाला कार्यक्रम को बिजली मंत्रालय से नहीं बल्कि कहाँ से, कार्बन क्रेडिट से प्राप्त होगी, कार्बन क्रेडिट से चुकाई जाएगी। तो ये अपने तरह का ऐसा एक अनोखा कार्यक्रम भारत सरकार का है। तो पहला वाला ही सही है, ए वाला राइट आंसर है, केवल ए सही है इसका। हाल ही में सरकार द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में, विश्व की में सबसे सस्ते हैं जो, ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। इसलिए कथन एक सही है। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया। ये भी पूछ सकता है कहाँ से शुरू हुआ, जिसमें 5 जिलों आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। शुरुआत आरा जिले से हुई। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट द्वारा किया जाएगा तथा यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा। तो ये कथन दो जो था वो सही नहीं था, कार्बन क्रेडिट से ये दिया जाएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, यह रिपोर्ट वर्ष 2019 के बाद से भारत में स्वतंत्रता की स्थिति में आ रही गिरावट को दर्शाती है। तो इसका कौन सा सही होगा, देखिए इसका उत्तर होगा कि अच्छा कौन सा सही नहीं है। देखिए यही है कि प्रश्न को सही से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, तो सही कौन सा नहीं है, पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि ये एक संस्था है अमेरिका की, ठीक है, वो गैर सरकारी संगठन टाइप की संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, न कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा। एक मानवाधिकार के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, वो इसको प्रकाशित करता है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला सही है कि भारत की स्थिति में 2019 के बाद से गिरावट दर्ज की गई है। तो केवल पहला ही गलत है, दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस, नाम याद रखिएगा, फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 1941 से कार्यरत इस संस्था का वित्त पोषण अमेरिकी सरकार के अनुदान से किया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। दूसरा है, रिपोर्ट के तहत देशों को विभिन्न संकेतों के आधार पर स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र या स्वतंत्र नहीं घोषित किया जाता है, या तो 3 कैटेगरी रहती है। पिछले 15 वर्षों में वैश्विक लोकतंत्र में गिरावट की ओर इशारा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की लगभग 75% आबादी ऐसे देशों में निवास करती है जहाँ पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आई है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की लगभग 75% आबादी ऐसे देशों में निवास करती है। अब चाइना, इंडिया को ले लीजिए, इतने बड़े यही देश हैं जनसंख्या में, बाकी और छोटे भैया देश होंगे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। पहले स्वतंत्र था, अभी आंशिक रूप से स्वतंत्र हो गया है, तो वर्स्ट कंडीशन होती जा रही है। भारत को रिपोर्ट में 67 नंबर मिला 100 में से, जो कि बीते वर्ष के 71 अंकों के मुकाबले कम है। पिछले वर्ष भारत स्वतंत्र श्रेणी में शामिल था, जबकि इस वर्ष भारत की स्थिति में गिरावट करते हुए इसे आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में शामिल किया है, अतः कथन दो सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कथन कौन सा नहीं सही है, तो पहला वाला ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर है।
ठीक है, राजस्थान सरकार ने, बस इतना ध्यान रखिए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद, ध्यान रखिए, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है। पहले तो युवराज सिंह थे, T20 विश्व कप जो पहला वाला हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के अगेंस्ट स्टुअर्ट ब्राड की गेंद पे 6 गेंद पे 6 छक्के कोई भूलेगा नहीं मारा था। अभी दूसरा खिलाड़ी एक बन गया है, ये कारनामा कर दिखाया किसने, मिस्टर किरण पोलार्ड ने, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं IPL में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया है। ए वाला इसका राइट आंसर है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानते रहिए, कुछ भी पूछ सकता है। किरण पोलार्ड ने एटिंगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था, उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो गूगल 1 मिलियन महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करेगा, इनोवेशन के लिए काम करेगा। इसके लिए उसने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, सी वाला वीमन विल वेब। क्या नाम है इसका, वीमन विल वेब, ध्यान रखिएगा, वीमन विल वेब। गूगल ने हाल ही में वीमन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। ये अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई के अनुसार इसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं। गूगल ने इसे वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटलीकरण आपको पता है, भारत सरकार का आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहा है ताकि जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं हैं, भूमि विवाद संबंधी समस्याएं हैं, भूमि से संबंधी जो धोखाधड़ी आदि जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार संबंधी समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके, जिसके लिए डिजिटलीकरण किया जा रहा है रिकॉर्डों का। तो ये शीर्ष स्थान किसे दिया गया है, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड दर्ज डिजिटलीकरण कराने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन है वो राज्य, मध्य प्रदेश है दोस्तों, ठीक है, डी वाला राइट, मध्य प्रदेश को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया। इसके बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। यह निष्कर्ष 2 पहलुओं के आधार पर आया है, इसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का रिकॉर्ड करना और इस रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर गौर किया गया है। यह आकलन NCAER के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 में किया गया, परीक्षा खबरी हमने जिक्र किया था इसका। हाल ही में किसे Stop TB पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, Stop TB पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ठीक है, टीबी से लड़ने के लिए यह मंच काम करता है। तो आपको पता है यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जो है, ये तो बहुत आसान सा आंसर है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो बी वाला राइट आंसर है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को Stop TB पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। Stop TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। Stop TB पार्टनरशिप बोर्ड है क्या, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाता है। ध्यातव्य है कि भारत सरकार का टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 है, जिसके लिए बहुत तेज़ी से और बहुत संगठित रूप से कार्य किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो आपको पता है, ये तो बहुत आसान आंसर है, ASAT जिसको कहते हैं एंटी सैटेलाइट, इसका एक बार और परीक्षण किया था कुछ समय पहले, प्रधानमंत्री जी आए भी थे टीवी पर बताने इस उपलब्धि को। तो कौन सा मिशन है, मिशन शक्ति, सी वाला राइट आंसर है, मिशन शक्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हाल ही में मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तब से अब तक भारत अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार काम करता रहा है, जब से ये DRDO ने ये उपलब्धि हासिल की है। इसी का परिणाम है कि DRDO ने सेंसर और सैटेलाइट विकसित किए हैं जो युद्ध की स्थिति में जमीन पर मौजूद रक्षा बलों की मदद कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा
केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए थोड़ा सा आपको अगर जीएस तैयार रहेगा तो जीके भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आते हैं उनका सीधा संबंध जीएस से होता है। भले ही आप उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी आपके पास ना हो, लेकिन अगर आप सामान्य अध्ययन में भूगोल अच्छे से पढ़े हैं, आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, तो आप आसानी से उसका उत्तर लगा लेंगे। तो आपको पता है केन बेतवा मुख्यतः बहती कहाँ से हैं, ये पहली बात तो ये माइंड में आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता, तमिलनाडु को तो आप हटा ही दोगे, पंजाब को इजिली हटा ही दोगे, बिहार को इजिली हटा ही दोगे, बचेगा क्या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों देश राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये उद्घाटन किया है, दोनों राज्यों संबंधित परियोजना भी है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है। अर्थात जो नदी जोड़ो परियोजना, जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसके तहत ये पहली परियोजना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए दोनों राज्यों द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विश्व जल दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, बार बार बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग करेंगे। तो विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, इस बार के विश्व जल दिवस की थीम क्या रही है, दोनों चीज़ डेट और थीम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको। हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ISSF वर्ल्ड कप 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा दो बार बता चुका हूँ मैं परीक्षा खबरी में, याद होगा जिनको, बहुत आसानी से आंसर दे देंगे। कौन है वो? चिंकी यादव, बी राइट आंसर। चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोबत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिससे भारत ने ISSF विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिए। तो सारे पदकों की जानकारी, पूरे प्रतियोगिता की जानकारी आपको परीक्षा खबरी के जो मंथली जो आता है हमारा मैगजीन, उसमें मिल जाया करेगी। ये 10 जो प्रश्न हैं मेरे अनुसार ये आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है, सब परीक्षा के लिए सबसे अति संभावित हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यंत प्रबल है, इसलिए आप इसको देखते रहें। बाकी अन्य भी कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, किसी भी प्रीलिम्स मेंस या वैकल्पिक विषय के, अभी हिंदी साहित्य भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, वो भी कोर्स स्टार्ट हो गया है। करने के लिए 9453775039 व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन की क्लास में आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और भी लोग जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ हो, सुरक्षित रहें दोस्तों, जीवन बहुत बहुमूल्य है, कुछ समय बच कर रहे हैं, उसके बाद फिर से पुनः उसी तरह से जीवन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दिनों की बात है, बस सब्र रखें और अपने जिसको भी आप मानते हैं, जिसको ईश्वर मानते हैं, उसको मनाते रहें कि हमारे और सबके जीवन की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके जीवन की रक्षा करें, सबको सुखी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।